स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो मैं अलभदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाई हम लोग बात करेंगे, हम खेत में ही खड़े हैं, देख सकते हैं ये है कोशा 17231 गन्ना वैरायटी, जो कि अर्ली गन्ना वैरायटी है, जिसको कि शाहजहाँपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है पिछले साल ये अभी अक्टूबर में इसको जो है किसानों के लिए अर्ली वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया गया था। इसकी अभी तक रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। ये मार्च की प्लांटेशन है किसान भाइयों, सिंगल बड से हमने इसकी प्लांटिंग की थी, सिंगल बड से जो है इसको प्लांट किया गया था, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अभी तक रिजल्ट है। मार्च के लिहाज से देखा जाए टिलरिंग काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं लगभग जो है सात सात आठ आठ गन्नों की इसमें टिलरिंग देखने को मिल रही होगी हर जगह पे, देख सकते हैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर हर जगह पे जो है लगभग आठ आठ पाँच से सात सात आठ आठ गन्नों की जो है वो टिलरिंग देखने को मिल रही है। अगर डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो लगभग एक डेढ़ फीट का जो है बड़ से बड़ डिस्टेंस रखा गया था, और लाइन से लाइन की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 3.5 फीट का वो भी डिस्टेंस जो है वो रखा गया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इसके इसमें रोगों की, तो कोई भी रोग जो है आप देख पाएंगे वो देखने को नहीं मिलेगा। अगौला देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है, हालांकि हल्का सा इसमें येलोशपन जो है वो इसमें रहता है, और जो इसकी लीफ शेप होती है, जो इसका स्टेम होता है माफ़ करिए, उसमें देख सकते हैं हल्का सा जो है पर्पल कलर का इसमें जो है वो देखने को मिलता है। ये तो ये इस तरीके से आप जो है इसकी पहचान कर सकते हैं, गोले हल्के से इसके येलोश होते हैं, यानी कि हल्के से पीलेपन लिए रहते हैं, और इसका जो तना रहता है वो उसमें हल्का हल्का सा आपको पर्पल कलर नज़र आता है। और आँख की अगर बात की जाए इसकी, तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आँख इसकी नुकीली होती है, देख सकते हैं थोड़ी सी उभरी हुई होती है, उसके साथ साथ में नुकीली आँख देख सकते हैं त्रिभुज तक की, आप देख सकते हैं बिल्कुल नुकीली आँख है। तो इस प्रकार से जो है आप इसकी पहचान जो है वह कर सकते हैं। तो रोगों की अगर बात की जाए तो कोई भी रोग जो है ना बोरर की समस्या अभी तक हमें देखने को मिली इसमें, ना ही पोका बंग जो इसमें बरसात में काफ़ी देखने को मिला था अन्य वैरायटियों में, वो भी जो है इस वैरायटी में फ़िलहाल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हाइट की अगर बात की जाए तो लगभग जो है मार्च के लिहाज से देखा जाए तो लगभग जो है 7-8 फीट की हाइट जो है वो हो चुकी है, तो हाइट भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि क्योंकि ये बीज के लिए आप जैसे जानते हैं कि हम लोग बीज का के लिए तैयार करते हैं ये बीज, तो बीज के लिहाज से इसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह का फर्टिलाइज़र का हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आंखें वगैरह डैमेज होने का चांस रहता है, अगर गन्ने में ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा तो गिरने का भी ज़्यादा खतरा रहता है, और उसमें ज़्यादा जो इसकी बड जो है स्प्राउटिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन इसका नहीं लिया जाएगा। अगर आप इसका प्रोडक्शन लेने के लिहाज से अगर इसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अच्छी से मेहनत करेंगे तो और अच्छी इसकी मोटाई और लंबाई जो है जल्दी से जल्दी आपको देखने को वो मिलेगी। हालांकि अभी तक का रिजल्ट जो है इसका देखने को जो मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लंबाई, हालाँकि आगे थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया तो दिखा पाना मुश्किल है, कि अच्छी हाइट जो है वो लगभग पूरे खेत में जो है मिल चल रही है। हालांकि CO11015 के बारे में इसका रिजल्ट जो है वो हमारे खेतों पे किस प्रकार का आ रहा है और किस प्रकार का अभी तक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो खेतों पे हमारे चल रही है, उसका रिजल्ट जो है वो सारा आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे जो पीछे किसान भैया आप वैरायटी देख पा रहे हैं ये है CO11015, और इसकी अगर प्लांटेशन की अगर बात की जाए, यानी कि इसकी बुवाई की अगर बात की जाए, तो वो हमने फरवरी में की थी, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और इसके साथ साथ किसान भैया काफ़ी अच्छी जो चीज़ इसकी देखने को मिल रही है मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, वो मोटाई देख सकते हैं, इसकी मोटाई और टिलरिंग वो देख सकते हैं। लगभग जो है टिलरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 10 11 लगभग 11-12 गन्ने जो हैं वो इसमें एक सिंगल बड से जो हमने प्लांटेशन की थी इस गन्ने की वैरायटी की उसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो लगभग जो है इसमें आपको 5 से 7 गन्ने जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें इस वैरायटी में देखने को मिलती है वो ये है कि इसमें 10-12 गन्ने हैं, क्या उसमें इसके साथ साथ क्या है कि हर गन्ने की जो मोटाई है आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको 5 गन्ने सामने दिख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबकी मोटाई जो है मोटाई देख सकते हैं लगभग इक्वल है, यानी कि बराबर है लगभग मोटाई है सबकी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ इस वैरायटी की देखने को मिल रही है, मोटाई देख सकते हैं लगभग 38 जितनी है, इंटरनोड की लंबाई जो है वो भी बड़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अगौला देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है, गाढ़े हरे कलर का अगौला है। इसका एक जो मेन जो रीज़न होता है वो ये है कि इसकी लंबाई और इसकी जो मोटाई है, अगर अगौला हरा भरा रहेगा उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होगी, फोटोसिंथ अच्छा होगा, तो उसमें गन्ने की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं कोई भी रोग जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, पत्ते बिल्कुल हरे भरे हैं आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो इसका रिजल्ट जो है अपने हमारे यहाँ पे यूपी में देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है 11015 का भी। हालांकि ये यूपी में अभी स्वीकृत नहीं है, लेकिन काफ़ी मिलें जो हैं वो इसको पसंद भी कर रही हैं, क्योंकि रिकवरी जो है इसमें जो कोयम्बटूर में इसमें जो रिकॉर्ड की गई थी वो लगभग 20% के लगभग थी। तो अगर अपने यहाँ यूपी में अगर अच्छी रिकवरी आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इसको
जो है वो किसानों के लिए रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा पसंद ये वैरायटी जो आ रही है, वो इसकी मोटाई अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, कम मेहनत में जो है ये वैरायटी जो है वो रिलीज कम मेहनत में जो है ये वैरायटी जो है वो तैयार होती है। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा जो है अभी तक इस वैरायटी का रिजल्ट किसान भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं अगर इसको पास किया जाता है इस वैरायटी को भी अगर, तो काफ़ी अच्छा ये मुनाफा जो है वो किसानों को उत्पादन और कमाई के लिहाज से और जो खर्चा है जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो कहते हैं उसको कम करके जो है काफ़ी मुनाफा देने की क्षमता जो है इस वैरायटी में वो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों ये वैरायटी है और पूरे प्लॉट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये गन्ना जो है वो लगा हुआ है। अक्टूबर की हमने ये प्लांटिंग की थी, नर्सरी इसकी बना के इसकी प्लांटिंग की गई थी। देख सकते हैं कि इतना अच्छा ज़बरदस्त गन्ना ये खड़ा है कि किसान की जो रूह होती है जिसको फसल को देख के वो खुश होती है, उस प्रकार का गन्ना जो है ये देख सकते हैं उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे खेत में। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरे खेत में देख सकते हैं, ये एक जगह पे नहीं है, पूरे खेत में ही बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बुवाई की इसकी अगर बात की जाए तो हमने सिंगल बड से इसकी नर्सरी बनाकर जो है वो लगभग 3 फीट की दूरी पे बड से बड़ लगभग 1 फीट की दूरी थी और लाइन से लाइन लगभग जो थी वो लगभग 3-3.5 फीट की दूरी के हिसाब से हमने इसको बोया था। 3 बार किसान भैया अभी तक हमने इसकी जो है बंधाई वो कर दी है, उसके बावजूद देख सकते हैं गन्ना जो है कहीं कहीं इसकी जो मूड़े हैं वो गिर रही हैं, क्योंकि हवा काफ़ी चलती है, जब बारिश काफ़ी हो जाती है, थोड़ी सी मिट्टी भी हमारे यहाँ की जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, तो उस वजह से क्या होता है कि गन्ने की थोड़ी सा गिरने की भी समस्या है। लेकिन अब हाइट की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो हाइट आप देख सकते हैं कि लगभग जो है किसान भैया मेरी 6 फीट तो मेरी हाइट है, उसके अलावा 6 फीट से ज़्यादा ऊपर हाइट होगी अगर बात करिए अगोले सहित अगर बात करें तो लगभग जो है 13-14 फीट इसकी गन्ने की हाइट जो है वो हो चुकी है। नीचे आप देख सकते हैं कि मिट्टी भी जो है इसमें चढ़ाई हुई है, उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जो है अभी तक जो है ये वैरायटी का रिजल्ट जो है वो खेतों पर हमारे दिख रहा होगा। हालांकि क्रॉस बंधाई की गई है, देख सकते हैं कि क्रॉस करके इसको इस तरीके से बांधा गया है जिसकी वजह से थोड़ी इसकी लंबाई जो है वो कम देखने को मिल रही है जहाँ पे गन्ने सीधे खड़े हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीछे मेरे दिखाना चाहूँगा, ये जो गन्ना सीधा खड़ा है बिल्कुल एक मुरी है, देख सकते हैं आप इसकी हाइट, देख सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग कितनी ज़बरदस्त हाइट है। और अभी आप ये और भी देख पाएंगे कि इसमें यहाँ तक गन्ना भी मतलब बना है ऊपर, और अभी जो है इसमें बनने की जो है अभी पूरी पूरी इसमें जो केन फॉर्मेशन है वो अभी इसमें बचा हुआ है। तो अभी जो है अक्टूबर तक जैसे आएगा, सितंबर अक्टूबर तक अगले 1-1.5 महीने तक इसकी जो हाइट है और लंबाई मोटाई जो है वो और इसकी अच्छी होने की जो है वो पूरी उम्मीद है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों कि बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट जो है वो हमारे खेतों पर इस नई वैरायटी का चल रहा है। अगर बात की जाए रोगों की तो किसान भैया देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोग जैसे कि पोका बोइंग हो गया या बोरर की कोई समस्या हो गई आपको देखने को नहीं मिलेगी। हरे भरे बिल्कुल इसके पत्ते हैं, अगोला बिल्कुल हरा भरा है। और अगर इसमें बात की जाए खादों की या फर्टिलाइज़र यूज़ की, जैसे हम लोग बहुत से हमारे किसान भाई कहते हैं कि कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है किस वैरायटी में, क्योंकि कई ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जैसे कि 14201 हो गया, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है अगर बात करें 38 या 35 के मुकाबले। लेकिन ये वैरायटी किसान भाई ऐसी है कि इसमें आपको बहुत कम मेहनत में आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। अक्टूबर की प्लांटिंग है तब भी इतनी अच्छी हाइट है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है, तो अगर आप इसको मार्च अप्रैल में भी अगर प्लांटिंग अगर करते हैं तो तब भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बात करें किसान भाई वैरायटी की, तो ये जो वैरायटी है वो है COLK 15201 जो कि लखनऊ की एक वैरायटी है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो पास किया गया था, उसमें लिस्ट जो थी उसमें अर्ली में रखा गया है इसको, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि शाहजहांपुर जो हमारा अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा जो है इसको अभी जो है स्वीकृत नहीं किया गया है ना अर्ली या ना मिड में, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ इसका डिसीजन जो है इस पर आ सकता है। अगर इसको इस वैरायटी को अर्ली या फिर मिड में या किसी भी तरीके से इसको अगर यूपी के लिए अगर पास किया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, तो ये जो वैरायटी किसान भी वो बहुत अच्छा जो है उत्पादन उसके साथ साथ किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने की क्षमता रखती है। क्योंकि देख सकते हैं कि आप इसका परफॉर्मेंस जो है इसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि बहुत हमने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है, क्योंकि बीज वाला हमारा हमने बीज के पर्पज़ से इसको लगाया था तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की गई है, क्योंकि बीज वाले गन्ने में आप भी जानते होंगे बीज में उसमें बहुत ज़्यादा खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें डैमेज होने का चांसेस रहता है। उसके बावजूद भी इसकी हाइट को रोक पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और एक चीज़ जो रह गई है वो मोटाई, वो मैं आपको आगे मोटाई भी इसकी दिखाना चाहूँगा कि मोटाई जो है वो भी काफ़ी अच्छी जो है इसकी देखने को मिलती है। लंबाई तो ज़बरदस्त है ही, उसके साथ साथ देख सकते हैं कि इसकी मोटाई जो है यहाँ पे पत्ती जो है उतरी हुई है, हम ज़्यादा पत्ती नहीं उतार रहे हैं क्योंकि आँखें डैमेज होने का चांस रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से जो पत्ती उतरी हुई है, मोटाई देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, जिस प्रकार से लगभग
38 की मोटाई थी, उसी प्रकार की मोटाई जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये सिंगल बड से प्लांटिंग है तो मोटाई थोड़ी सिंगल बड से आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें टिलरिंग ज़्यादा होती है। तो सिंगल बड से हम गन्ना प्लांट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 10-10, 8-8, 10-10 कल्ले होते हैं। जब इसको आप दो तीन आंख का बोएंगे तो उसमें थोड़ी सी टिलरिंग कम हो जाएगी, लेकिन गन्ने की जो मोटाई और लंबाई है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये किसान भी कुछ सामान्य जानकारी थी इस गन्ने वैरायटी के बारे में, CLK 1501 के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।